हेलो बच्चों, आज का हमारा सवाल है। बड़ी संख्या में कण मूल बिंदु के आसपास हैं। प्रत्येक कण की मूल बिंदु से दूरी r है। निकाय का द्रव्यमान केंद्र की दूरी मूल बिंदु से क्या है? अब देखिए, हमारा ये कोई ओरिजिन है, इसको o मान सकते हैं। अब बड़ी संख्या में आपके पार्टिकल्स यहाँ पे केंद्र के पास एकत्रित है। तो अगर हम कोई एक आर त्रिज्या का वृत्त बनाए या सर्कल बनाए, तो सारे के सारे कण या तो सर्कल के अंदर हैं या सर्कल की परिधि पर होंगे। तो अगर हम पूरे सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास देखें, तो वो क्या होगा? सर्कल के अंदर होगा या सर्कल की परिधि पर हो सकता है, उसके बाहर नहीं हो सकता। मैक्सिमम सर्कल की परिधि पर हो सकता है या सर्कल की भीतर होगा। अब सर्कल के भीतर होगा तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? आर से छोटी डिस्टेंस पे। और परिधि पर होगा तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? आर डिस्टेंस पे। तो हमारा सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र आर के बराबर या छोटी दूरी पर हो सकता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा बी ऑप्शन सही होगा। आशा है आपको सोल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।